अब वो दोनों के बयान के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम वैशाली नगर और भिलाई दोनों विधानसभा होगा और लगभग 12 कार्यक्रम है। आज बहुत लंबा चलेगा कार्यक्रम। आज फिर से भारत सरकार का विज्ञापन आया है जिसमें कहा गया है कि जगदलपुर एयरपोर्ट शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन किए थे लेकिन वो बंद हो गया था। ये एयरपोर्ट राज्य सरकार द्वारा संचालित है और इसको जब से हम लोग माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर किए हैं और उसके बाद जब फिर से शुरू किए तब से लगातार वहाँ से हवाई उड़ान शुरू हुआ हैदराबाद और रायपुर के लिए। उसके बाद विशाखापट्टनम की मांग हुई है, अभी तक के उसकी शुरुआत नहीं हुई। दूसरा बिलासपुर भी हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ और जो बिलासपुर से इंदौर चल रहा था वो बंद कर दिए, उसको फिर से शुरू किया जाना चाहिए। दूसरी बात जो विज्ञापन में कहा गया है कि सौभाग्य योजना, तो सौभाग्य योजना 2017-18 में 1,60,000 घरों तक पहुंचाया गया, जबकि 2018 के बाद दिसंबर 2018 से अब तक लगभग 5,04,808 घरों में पहुंचाया गया। मतलब हमारे कार्यकाल में ज़्यादा विद्युतीकरण का काम हुआ है। उसी प्रकार से सड़कों की बात आप करें, 2015-16 में इनका बजट व्यय राशि है 924 करोड़, 16-17 में 742 करोड़, 17-18 में 615 करोड़, और जबकि 18-19 में आप देखेंगे 1339 करोड़, 19-20 में 983 करोड़ और 20-21 में 1558 करोड़ और 21-22 में 1613 करोड़ और 22-23 में 962 करोड़। और इसमें 21-22 में जो हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन था देश में, तो हमको केंद्र सरकार से 271 करोड़ रुपये की राशि प्रोत्साहन राशि दी गई कि हमने बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इसलिए राशि भारत सरकार के द्वारा दिया गया। रमन सिंह जी क्या क्या बोले थे 15 साल में कि आदिवासियों को हर घर में एक पक्का नौकरी देंगे, गाय सबको गाय देंगे, ऋण माफी होगी, शराब बंदी होगी। 15 साल इनको मौका मिला, कर पाए क्या? शराब बंदी हो तो बोले चुनाव हार जाना पसंद है, लेकिन चुनाव मतलब शराब बंदी हो के रहेगा, क्यों नहीं कराया रमन सिंह जी? जब इतना बड़ा बयान दिया तो उसके बाद क्यों नहीं कराया? इसके बाद पहले बताए, हम तो एक अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो सारी चीज आप देखेंगे, शराब हरियाणा से आया, नकली जहरीली शराब पी के लोगों की मृत्यु हुई, गुड़ाखू जो हमारे जो छोटे छोटे किराने की दुकान हैं वहाँ 100 रुपया 50 रुपया में एक 5 रुपये गुड़ाखू, 50 रुपया 100 रुपये में लेते थे। तो ये है कि हमको नशा मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि नशा केवल शराब भर नहीं है, नशा में चाहे वो गुड़ाखू हो, गुटखा हो, तम्बाकू हो, गांजा हो और दूसरे सूखा नशा है, इन सब को से मुक्त होने के लिए हम लोगों को अभियान चलाना चाहिए और बिना समाज के सहयोग के बिना संभव ही नहीं। आप कोरोना काल में आप देखेंगे सरकार के उपलब्धि नहीं है, केवल सरकार भरे काम नहीं किया है बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, ऐसा कौन सा समाज है जिसने सहयोग नहीं किया? और उस जैसे समाज के लोग इसमें सहयोग किए, चाहे वो बेड की कमी हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, वो सारी चीज़ें सब दूर हो गई। तो ये तो सामाजिक बुराई ही है। तो जब तक के समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, शामिल नहीं होगा, इसको कर पाना कठिन है। क्योंकि दुकान बंद कर देने के बाद देखिए बिहार में बंद कर दिया, अभी कितने लोग मरे जहरीली शराब पी के,
तो ये सब चीजें हैं, केवल एक शराब की बात नहीं है, हमको नशा मुक्ति की तरफ बढ़ना पड़ेगा और अभियान चलानी पड़ेगी। गुड़ाखुश कितने बच्चे, जवान, सारे लोग उससे प्रभावित हैं। गुड़ाखू दबा लेते हैं, मतलब सबसे पहले तो कलर ब्लाइंड होता है, अंधेरा प्रभावित होती है।